हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग प्रभु पे चलाते हो और आप लोग प्रभु पे में पैसा लोड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं प्रभु पे वॉलेट पहले से ओपन करके रखा हूं। तो दोस्तों पैसा लोड करने के लिए यहां पर देख सकते हैं लोड फंड, तो दोस्तों इसी में क्लिक कर दीजिए लोड फंड में। लोड फंड में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों पैसा लोड करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पैसा लोड करने के लिए कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर लोड वीसा कार्ड, कनेक्ट आईपीएस और यहाँ पर अकाउंट लिंक करके भी पैसा लोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से मैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसा लोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर जितने भी नेपाल का बैंक है सारे यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा बैंक है वो बैंक सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर से। जैसे कि मेरा NIC एशिया बैंक है, तो मैं NIC एशिया बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कितने अमाउंट लोड करेंगे आप लोग उतना सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नीचे भी दिया है, जैसे कि 500, 1000, 2000, 3000, 5000, तो आप लोग कितना अमाउंट सिलेक्ट करना चाहते हो उतना अमाउंट टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं 100 रुपये टाइप कर दिया हूँ। 100 रुपये टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे रिमार्क्स में कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैं NIC एशिया लिख देता हूँ। रिमार्क्स में NIC एशिया लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर पोर्टसेट में क्लिक कर दीजिए। पोर्टसेट में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपने NIC एशिया बैंक में रजिस्टर किया है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और NIC एशिया बैंक का मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए मैं ये सब फटाफट डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके मोबाइल में NIC एशिया बैंक की तरफ से OTP कोड आएगा, वो OTP कोड यहाँ पर डाल दीजिए। OTP कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर पे में क्लिक कर दीजिए। पे में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु पे में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है 100 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर डन में क्लिक कर दीजिए। डन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा प्रभु पे वॉलेट में 100 रुपये ऐड हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से प्रभु पे में बहुत ही आसान तरीका से पैसा लोड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।